नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। हमारे खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में आज हम बात करेंगे कैसे बनेगी बात पर। करनाल में किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर किसान आर पार के मूड में हैं। करनाल की अनाज मंडी में किसानों ने महापंचायत की। इससे पहले किसानों के 11 प्रतिनिधियों ने प्रशासन के साथ बैठक की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता राकेश डकैत का कहना है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रशासन के साथ 3 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। हमने SDM के खिलाफ न्याय, उचित कार्रवाई और निलंबन की मांग की है, सरकार उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं। इससे पहले राज्य के CM मनोहर लाल खट्टर ने उम्मीद जाहिर की थी कि बातचीत से मसले का हल निकलेगा। करनाल में हुई लाठीचार्ज में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें SDM किसानों का सिर फोड़ने की बात कह रहा था। इस वीडियो पर जमकर सियासी तकरार भी हुई थी। किसान संगठनों ने SDM के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। राकेश टिकैत ने कहा था कि SDM का तबादला नक्सली इलाके में कर देना चाहिए। शुरू में तो सरकार ने भी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल 28 अगस्त को करनाल में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। इस लाठीचार्ज में कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके विरोध में प्रदर्शनकारी किसानों ने आज लघु सचिवालय का घेराव करने का ऐलान किया था। राज्य सरकार ने महापंचायत और घेराव के ऐलान को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट और SMS सेवाओं को बंद कर दिया। करनाल में धारा 144 लगा दी गई थी। एक तरफ किसान कृषि कानूनों के लगातार खिलाफ चल रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर, वहीं RSS से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी सभी किसानों को समान रूप से लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग को लेकर 8 सितंबर को देश के जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि किसानों के आंदोलन पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए। चौधरी ने कहा कि व्यापारी अपने हिसाब से किसानों से फसल खरीदते हैं, सरकार MSP की घोषणा करती है पर भुगतान 6 महीने में होता है, सरकार उपज का सिर्फ 25% खरीदती है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि MSP पर खरीद पर कानून बने। जो MSP पर अभी दी जा रही है वो धोखा छलावा है। जाहिर है किसान अपने हक के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में भी किसानों ने महापंचायत की थी। किसान कृषि कानूनों को काला कानून मानते हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि कृषि कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी, उन्हें नया बाजार मिलेगा। सवाल यह है कि जिस तरह से किसान अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं, उससे क्या सरकार से बातचीत की राह खुलेगी, या फिर इस तरह की धरने, महापंचायतें और किसानों के भाषण बातचीत में सबसे बड़ी बाधा है। आखिर कैसे बनेगी बात, जानेंगे पक्ष विपक्ष की राय में। तो देखिए, पूरा माजरा क्या है वो तो हमने आपको बता दिया है, और आज इसी को लेकर हम चर्चा भी करने वाले हैं अपने खास मेहमानों से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बन रहा है कि ये बात बनेगी कैसे, मसला सुलझेगा कैसे, क्योंकि ये 1 से 2 दिन की लड़ाई नहीं है, लंबा वक्त हो गया है, महीनों से ये आंदोलन चल रहा है। राज्य बदल गए, जगह बदल गई, सीमाएं बदल गई, लेकिन मुद्दे नहीं बदले हैं, और सरकार के साथ बातचीत हमेशा बेनतीजा विफल रही है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, कई कोर की बैठकें हो चुकी हैं, कई संघों के द्वारा बैठकें हो गई हैं, कई संगठन इसमें शामिल हो गए हैं, बावजूद इसके समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब ऐसे में आज हमने देखा कि करनाल में भी महापंचायत का आयोजन किया गया, तमाम संगठन इसमें शामिल हुए, 3 राउंड की बैठक हुई। पहले 2 राउंड में कहा गया बैठक बेनतीजा रही, तीसरे राउंड में फिर से प्रतिनिधिमंडल गया बातचीत के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहा गया कि बैठक बेनतीजा रही। दरअसल इस बार जो किसानों की मांग है, जो आज का मुख्य विषय था, वो यही था कि कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ, उस आला अधिकारी के खिलाफ जिसने 28 अगस्त को कार्रवाई की थी, लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि पहले सरकार भी इस मामले को लेकर सख्ती बरतने की बात कह रही थी, लेकिन समय के साथ बातें भी बदलती चली गई। तो करनाल के अनाज मंडी में किसानों ने आज महापंचायत की। इससे पहले किसानों के 11 प्रतिनिधियों ने प्रशासन के साथ बैठक भी की, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही थी। इसीलिए बार बार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों बेनतीजा चल रही है बैठकें, और इन बैठकों का एजेंडा है क्या, क्या बातचीत हो पाएगी, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। राज सिंह देशवाल हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राज सिंह जी आपका कार्यक्रम में।
राज सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आपको? आवाज आ रही है जी। राज सिंह जी, आज महापंचायत का आयोजन करनाल में किया गया, काफी उम्मीदें थी आज भी, जैसे हर बार की बैठक में या महापंचायत में रहती है कि शायद आज कुछ पहल हो जाए, आज कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन बातचीत आज भी बेनतीजा रही। क्या आज का एजेंडा रहा, क्या बातचीत हुई, जानेंगे आपसे। हेलो, आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ जी, आ रही है जी। राज सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आज भी बैठक हुई, महापंचायत हुई, महापंचायत का जो एजेंडा था कि सरकार से आप बातचीत करेंगे, रास्ता कुछ निकालेंगे, हल निकालेंगे, लेकिन आज भी कुछ समाधान नहीं निकल पाया, बेनतीजा रही आज की भी बैठक और ये बातचीत, क्या रहा आज के मसले पर बताइए जरा। देखिए, आज की जो महापंचायत है उसके अंदर जो है ना, जो फैसले की बात ये थी कि वो जो करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में ये जो एक वहां पर ये जलसा था, जो भी यानी पंचायत थी ये, उसके अंदर जो है ना इनकी बातचीत बैठे आपस में बातचीत हुई, लेकिन वो किसी नतीजे बेनतीजा निकली वो बातचीत। तो फिर आगे अभी जो ना, फिर उस पर मिनी सेक्रेटरी के ऊपर जब जाने लगे तो नमस्ते चौक के ऊपर रोक लिया गया जी। अब ये सरकार जो है ना, किसी उसमें हम लोग किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है ना नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिस प्रकार से ये चल रहा है इनका रवैया, तो इसको हम गलत मानते होंगे, शायद हमें गलत मानते होंगे, नहीं तो इस गलत फहमी के चक्कर में राज सिंह जी समाधान कैसे होगा। आवाज मिल रही है आपको मेरी? नहीं, समाधान तो इसका ये है ना कि मिल बैठकर जो है ना, हम लोग देखिए ऐसा है, स्पष्ट कर चुके हम, ये कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पर है, सरकार बातचीत करने को तैयार है, ऐसा बोलते हैं ना जी ये। बिल्कुल, पर हमने जो है ना उसके जवाब में एक लेटर लिखा इनको, दो महीने से ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन इन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। हमने लेटर में लिखा था कि भाई हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और आप बताइए कि हमें कब, किस तारीख को, कौन सी जगह पर आना है। आज तक जो है ना सरकार ने हमको वो नहीं बताया है। तो अब इसमें दरअसल काम बात यह ना कि इसके हाथ में प्रचार तंत्र है, ये अपनी अपनी तकतीफी से या और जगह से बोलते हैं, हमने संसदीय हमसे तो कोई बातचीत कही नहीं है उनसे, ना कोई पत्राचार हुआ है हमारा, और ना ही इन्होंने कोई टेलीफोन किया है, हमने लिखे हैं पत्र इनको। चलिए ठीक है, बिल्कुल, आप कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, आप बात करिए, आप बात करने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो सरकार आपसे बात करेगी, आपकी बात को सुनेगी, लेकिन वो बातचीत हो कहां पे रही है। राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से बहुत स्वागत है राकेश सिंह जी कार्यक्रम में आपका। राकेश जी, आज तो हमने देखा कि महापंचायत का मुख्य एजेंडा यही था कि जो कुछ भी 28 अगस्त को हुआ उसके लिए सरकार कुछ करे, सरकार कुछ कार्रवाई करे। आज सरकार की मंशा क्या थी, क्योंकि बुलाया गया बातचीत के लिए, बातचीत हुई भी बेनतीजा रही, क्या वजह? बातचीत तो इसके पहले भी हो रही थी, केंद्र सरकार से बातचीत, 12 दौर की बातचीत हुई है, और जब आंदोलन इनका शुरू हुआ था, देखिए पंचायत बहुत अच्छी चीज है, जब इनका आंदोलन शुरू हुआ था तब पंचायत क्या हुई थी, क्या इन तीनों कानूनों से पंचायतों के बीच में लाया गया था, तब तो आपने सीधे दिल्ली को घेर लिया, लाल किले पे चढ़ गए, सारे अराजकता फैलाई, तो एक आपने अपना, क्योंकि आपके जितने लोग आते हैं आपके आंदोलन में, आप उनका नेतृत्व आपके अनुशासन में नहीं रहते हैं, ये तो जगजा ही रह चुका है। और पंचायतों भी एक पत्र इन्होंने कहा सुखलाल जी ने, वो पत्र कब था, कब लिखा गया था, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, उससे पहले राकेश जी जरा एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आपने कहा कि ये कंट्रोल में नहीं रहते, नियंत्रण में नहीं रहते, क्या नियंत्रण कंट्रोल में लाने का एकमात्र रास्ता लाठीचार्ज है, उनके ऊपर लाठियां भांजना है, क्या यही एकमात्र रास्ता रह गया है, इनके सिर फोड़ दिए जाए, इनको मारा पीटा जाए, इस तरीके के बयान जब आते हैं, क्या यही एकमात्र रास्ता रह गया आज आंदोलन करने के लिए? इनके नेताओं के बयान आप सुन लीजिए, राकेश शिकायत के बयान सुन लीजिए, इनके कामों को आप देख लीजिए। सर अगर वो गलत है तो आप भी गलत करेंगे क्या? आप तो सरकार में है जनाब। मैं कह रहा हूँ कि आप जरा पीछे लौट के चले जाइए, 26 जनवरी को कितनी लाठी चली है पुलिस की तरफ से, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है,
तो आप कार्रवाई कीजिए ना, आप कार्रवाई कीजिए, पकड़िए उन लोगों को। कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती है तो देखवा में जाते हैं, जैसे नेता खड़े होते हैं, पूरी पंजाब के सारे लोग वकील करने लगते हैं, कहते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा। उस समय कोई नहीं बोलता है, जब ये समझौता दिल्ली पुलिस से करके आते हैं, उसके बाद ये अराजकता पूरे दिल्ली को बंधक बनाने की बात करते हैं, काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं टकराव होगा। ये बातचीत से मामला सुलझ सकता था, लेकिन बेतवाल जी जब बातचीत करेंगे, बेतवाल जी जैसे लोग पहल करेंगे तब होगा। राकेश जी का जब बक्कर उखाड़ने की बात करेंगे और हिंदुस्तान में तालिबानी सरकार है ये बात करेंगे, तो ये बात के पहले ही आपने हमारे वाला बयान दे दिया। तालिबान के समय में क्या राकेश जी बोल पाते, क्या अफगानिस्तान में तो राकेश जी बोल सकते हैं? अरे जिसके साथ, जिस सरकार के साथ भारत और की आपने बात की है उसको तालिबानी सरकार बता रहे हैं, और जबकि सारा रवैया सारा बयान आपका है, आप कहते हैं कि सरकार तालिबानी है। ठीक है, ठीक है राज सिंह जी, ये जो अलग अलग गुटों के द्वारा राजनीतिक मंशा साधने की जो कोशिश की जाती है, क्योंकि सरकार भी अब इसी पशुपेश में फंस चुकी है कि वो बातचीत किससे करे, किससे पहल करे, इतने संगठन, इतने प्रतिनिधित्व आगे आ रहे हैं कि वो भी शायद मुझे लग रहा है असमंजस की स्थिति में आ गई है। अब जैसे राकेश जी कह रहे हैं कि बातचीत करें किससे जनाब, ये तो बताइए। ऐसा है कि बातचीत की बात, यह भी राकेश जी कह रहे थे कि भाई हमें तालिबान बताते हैं तो बातचीत कैसे हो सकती है। ठीक है, आप हमें खालिस्तानी बताते हो, आप खालिस्तानियों से बात करना चाहते हो क्या? आप माओवादियों से बात करना चाहते हो क्या? आप मवाली गुंडों से बात करना चाहते हो क्या? आपने तो सारे संबोधन हम लोगों को दे रखे हैं। आप तालिबान प्रतीक बन गया तानाशाही का, और उसमें कुछ नहीं क्या, आप लोगों का जो रवैया है वो तालिबानी रवैया है, बिल्कुल तानाशाही रवैया है आप लोगों का। हम लोगों ने एक पत्र लिखा तो हमें कोई इसका जवाब नहीं दिया आपसे, मंत्रालय से, कृषि मंत्रालय से, पीएमओ से, उस पत्र का जवाब तक नहीं दिया है। और फिर कहते हैं ये बातचीत तो तैयार नहीं है, बारह बार हम बातचीत करने को दो, जब जब बुलाना तब तक गए। ऐसे ना कहो, इतनी गलत बातें ना कहो भाई, जो बात ये तो हमारे पास स्वरूप है, कहे तो हम लेटर दिखा देंगे आपको, ये देखो हमने पत्र इनको रिसीविंग है हमारे पास। राकेश जी सुन लिया होगा आपने, सब कुछ है उनके पास, पत्र लिखा भी गया है, जवाब की उम्मीद भी की गई है। ये पत्र किसने और कब लिखा, जरा तारीख भी तो, प्रवक्ता है जेसवाल जी। भाई ऐसा है कि देखिए राकेश जी, ये कुछ पता नहीं मेरे इसमें कनेक्शन नहीं पा रहा आपकी बात को, तो मैं अनुरोध करूंगा। हाँ, सर मैं आपको बता देती हूँ, राज सिंह जी वो कह रहे हैं ये पत्र कब लिखा गया है, तारीख क्या है, किसने लिखा है, किसके नाम पर लिखा गया है, उनको जरा तमाम जानकारी चाहिए। ये कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री के नाम लिखा गया है। और ये जो है ना, आज से कोई एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है ना पूछ लीजिएगा, और अगर मेरी बात गलत हो तो जो है ना पूरा आप सारे दिन ये चलाइएगा। ठीक है, बता रहे हैं इसमें हम लोगों ने ये लिखा है पत्र इनको कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार है, आप समय और स्थान बताइए हमें। समय और स्थान तो बार बार दिया जा रहा है ना सर, कभी मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हो रहे हैं, कभी करनाल में हो रहे हैं, तो कभी दिल्ली के बॉर्डर में बातचीत के लिए। मुजफ्फरनगर में कौन सा दंगा हो गया, मुजफ्फरनगर के क्या कह रहे हैं आप? बात ये हो रही है सर, यहाँ पर कह रहे हैं बातचीत के लिए मौका चाहिए, बातचीत करने के लिए सरकार कह रही है कि आपको इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन बातचीत विफल हो रही है, अलग अलग जगहों की इसलिए बात की जा रही है। मुजफ्फरनगर में भी सब इकट्ठे हुए, अपनी बात रखने की कोशिश की, वहां पर भी एक मंच मिला, वहां पर भी सरकार को चेताया गया कि आप हमारी मांगे सुनिए, मांगे मानिए, लेकिन सरकार और आपस में जो एक तालमेल होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है? कब तक ऐसे राकेश सिंह जी चलता रहेगा, एक के बाद एक फिर नए मुद्दे आ जाएंगे उस पर, उसको लेकर महापंचायतें होती रहेंगी, उसको लेकर फिर नए नए फरमान आ जाएंगे। कोई पूजा जी कोई समस्या नहीं है, ये खुद दिग्भ्रमित है, पूरे किसान संगठन दिग्भ्रमित है। आज जब जिस दिन कानून आया, कानून के बाद आपने तुरंत 10 लोग 20 संगठन 34 संगठन मिलते हैं और दिल्ली घेरने की प्लानिंग करते हैं, और दिल्ली में घेर लेते हैं, सारे हाईवे बंद कर देते हैं, और 9 महीने बाद आप पंचायत करते हैं। अरे पंचायत में आपको पहले जाना चाहिए, पंचायत ही आपका फैसला सुनाता कि ठीक है आप दिल्ली गए थे, लेकिन आप पूरे विषय को पंचायत पे नहीं ले गए। तो जो चीज पहले होनी चाहिए वो 9 महीने बाद अलग कर रहे हैं। ये खुद में भ्रमित है कि हम कहाँ जाए, किस तरह जाए, किसके साथ जाए,
में जैसे पंजाब की कानूनी बात कर रहा है उसको निकाला जाता है, एक योगेंद्र यादव को सीए लेकर यहाँ पे समस्या है, तो ऐसे लोगों में नेतृत्व बात हो सकती है। और मैं ये लोग चाहते हैं ये खुद तय कर लें कि पंचायत में क्या था, जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई उसमें क्या कृषि कानूनों पर बात की गई, ये आप देशवासियों को बताना चाहिए। वहां पर राजनीति हो रही है कि बीजेपी को हराना चाहिए, तो आप ग्रामीण था किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, आपको राजनीति करनी है। ठीक है, ऐसा है, हमें राजनीति करनी है क्योंकि हमें जो है ना वोट का अधिकार है, हम अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें या ना करें, देखिए अपनी बात रखने का प्रजातंत्र में लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन उस बात को सरकार कैसे सुन रही है नहीं सुन रही वो भी एक तर्क का और एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर भी हमें सोचना समझना होगा। सवाल यही है कि किसान अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं, उससे क्या सरकार से बातचीत की राह खुल पाएगी। राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। राकेश जी, महापंचायतें होती हैं, धरने होती हैं, किसानों के भाषण हो रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं, आपको लग रहा है क्या यही एक बड़ी बाधा है, यही अवरोधक बन रहा है कि जिसकी वजह से जो समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था या जो भी इसके बीच में कोई कंफ्यूजन है वो पहले सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हो रही है? अगर ये पूरे आंदोलन पूरे मोर्चे का नेतृत्व अगर किसान नेता करते जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं और लगातार 10-15 साल से महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, जो किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चाहे राकेश टिकैत हो, चुनाव लड़ते हैं, जमानत जब्त होती है, दो दो बार चुनाव लड़े हैं, चौहानी चुनाव लड़े हैं, जमानत जब्त हुई है, योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी से निकल कर दर दर भटक रहे हैं, केवल वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहते हैं, इन्हीं के हाथ में नेतृत्व है। और ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व होगा तो किसानों के विषय पर बात नहीं होगी, राजनीति होगी। मुद्दे के साथ बेटर बात आगे बढ़ी थी, लेकिन अब फिर काला थी गया, कानून है पूरा वापस लीजिए, और ये नहीं बता पा रहे हैं कि कानून में काला क्या है। अभी तक आप पंचायतों में कानून पे बात नहीं हो रही है पूजा जी, आप मुजफ्फरनगर की पंचायत को आप ध्यान से सुनिए, कानून के एक विषय पर किसी नेता ने बात नहीं रखी है, उन्होंने रखी है कि बीजेपी को हराना है और खुद को विधानसभा में पहुंचाना है परेश या अप्रोच रूप से, ये बाधा है सबसे बड़ी। ठीक है, राज सिंह जी जवाब चाहेंगे आपसे, आपकी आवाज सुन ना राज सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, जैसे आपने जिक्र किया कि पॉलिटिकल एंगल इसमें इतने ज्यादा हो गए हैं और राजनीति सब अपने अपने पहलू पर करने लगे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसकी वजह से जो किसानों के असल मुद्दे हैं वो भटक गए हैं, कौन फिर प्रतिनिधित्व करेगा? क्योंकि आप ये भी तो देखिए ना, जिन पर आप ये कह रहे हैं, जिन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ बहुत किसान हैं, उनके साथ भीड़ है, वो जहां भी जाते हैं किसान उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, यही उनकी बात को रख पाएंगे, कैसे? नहीं बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में पंचायत किया, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, कहाँ आंदोलन चल रहा है, कहाँ धरना चल रहा है, कहाँ प्रदर्शन चल रहा है, और हिंदुस्तान में न जाने कितने किसान संगठन है इस कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह मान पंजाब के बड़ा नाम है किसानों का, और उन्होंने भारतीय किसान यूनियन उनका जो है कि इस कृषि कानून का समर्थन कर रहा है। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन अनिल धनवंत का एक बड़ा संगठन है, इस कानून का समर्थन कर रहा है। ये कानून पूजा जी एक दिन में नहीं आया है, शंकरलाल गुरु की कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई है, एपीएमसी से लेकर सारे कानून पर, और उस पर सुझाव जो दिए गए हैं, मोन्टेसी अहलूवालिया की टास्क फोर्स की रिपोर्ट है, और इनके तमाम नेताओं से जो कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, उन कांग्रेस के तमाम नेताओं की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी की यही रिपोर्ट थी, और 2019 में जो कांग्रेस के कंधे पे लोग बैठ के राजनीति कर रहे हैं उसका घोषणा पत्र आप देखिए पूजा जी, तो सारे सारे के सारे कानून कांग्रेस लाना चाहती थी। राज सिंह जी जवाब,
ये दरअसल जी राकेश जी की आवाज जो है ना, मैं सुन नहीं पा रहा जी। हेलो। हाँ, यही वो कहना चाह रहे हैं कि मसला क्या है, क्यों यहाँ पर इतनी आपत्ति जाहिर की जा रही है। दरअसल उनका यही मतलब है कहने का कि अलग अलग राजनीति की जा रही है यहाँ पर, सिर्फ अपनी मंशा साधने के लिए किसानों को भटकाया जा रहा है। हाँ ठीक है, जो ये जो कह रहे हैं ना राकेश सिंह जी, ऐसे में इनको पूरी स्वतंत्रता है, ये जो कुछ इससे ज्यादा और भी कुछ कहना चाहे कह लें। और एक मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि हमें जो ना अगले 3 महीने का प्रोग्राम बना के दे दें, ये कि आपने फला तारीख को ये करना है, फला को ये करना है, सुबह 7 बजे उठना है आपने, सुबह 5 बजे उठना है, शाम को 8 बजे आपने जाना डिनर लेना, ये बना के हमको भेज दे, उसे हम उसमें हम किसान लोग अपने जीवन आगे चला देंगे। इनसे सलाह लेने से ही कर रहे हैं सारे काम, ये आगे हमें जो ये बेटा करते हैं वो भी एक लिख के भेज दे। राज सिंह जी, लग रहा है कि बातचीत कई राउंड की हो जाए, चाहे इस मंच के जरिए हम करा लें या फिर आप वहां पर कर लें, समाधान नहीं निकल पा रहा है। हाँ जल्दी से सर, जल्दी से, समय कम है। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, पक्ष विपक्ष में अपनी अपनी राय आपने रखी। सवाल यही था कि कैसे समाधान निकल पाएगा, क्या वाकई में बातचीत से कोई बात बन पाएगी। फिलहाल समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, आने वाले वक्त में कितनी राजनीति इसमें देखने को मिलेगी ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। We'll be right back.